उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है और ऐसे तमाम समिट उत्तर प्रदेश में पूर्व में हो चुके हैं। जुलाई 19 में 62वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश की पुलिस को करने का अवसर प्राप्त हुआ था और नवंबर 21 में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने प्रतिभाग किया था। सशस्त्र सीमा बल द्वारा मार्च 23 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन भी इन लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वाभाविक रूप से ये तमाम प्रकार के आयोजन उत्तर प्रदेश में पूर्व में हुए हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश के अंदर वर्तमान की चुनौतियों के ध्यान में रखकर के और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर के जब स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, तो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उन्होंने कुछ सूत्र जरूर बनाए हैं कि स्ट्रिक एंड सेंसेटिव पुलिस हमें चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा, अपराधी के लिए हम जीरो टॉलरेंस होंगे, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उतने ही संवेदनशील भी होंगे। मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल हमारी पुलिस फोर्स को होना पड़ेगा। रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, टेक्नो सेवी एंड ट्रेन पुलिस फोर्स आज की आवश्यकता का हिस्सा है और यह न केवल सिविल पुलिस को बल्कि केंद्रीय बलों को भी जब इस व्यवस्था के साथ जुड़ पाएंगे तो वर्तमान की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।